हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों, आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे परीक्षा मंथन ई बुक सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास इतिहास के टॉपिक अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन पर बात करेंगे, और उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन को देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों, महाजनपद काल को देखेंगे, मगध का उत्कर्ष देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, मौर्योत्तर काल, और उसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद राजपूत काल, पूर्व मध्यकाल, और उसी के साथ दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों को देखेंगे। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं आज के अपने सेशन का, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन की। तो अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन किस तरह से था? तो अतीत के अध्ययन हेतु कालों को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में जो है, तो अतीत के अध्ययन हेतु इतिहास का काल विभाजन किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे कि ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड का जो मानव था, वो किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, एवं मानव उत्पत्ति से लेकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही किया जाता है। तो जो पाषाण काल है और ताम्र पाषाण काल है, इसका भी जो अध्ययन है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है कि जिस काल का जो मानव था, वो किसी प्रकार की लिपि से परिचित तो था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई हो। तो क्या था आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था, वो क्या था? किसी न किसी प्रकार की लिपि से तो उसका परिचय था, लेकिन वह लिपि उस टाइम तक या कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत किया जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत किया जाता है किसका? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, और वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है, मतलब उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित में विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका होता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था? लिपि नहीं थी, लेखन भी नहीं था, और मानव उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का समय इसके अंतर्गत आता है। दो प्रमुख काल, पाषाण और ताम्र पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो मानव था, उसके पास लिपि तो थी, लेकिन उस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया था। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसके अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं। और ऐतिहासिक काल का मानव वह मानव था जिनके क्रियाकलापों को हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा भी जा चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास किसे कहेंगे? कि जिस काल में मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित हुआ और वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है, और मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित में विवरण प्राप्त होता है, वह विवरण क्या होता है? इतिहास कहलाता है। तो उस विवरण को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का जो अध्ययन है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को देखेंगे। तो पाषाण काल सबसे पहले बात कर लेते हैं पाषाण काल की। तो पाषाणकालीन सभ्यता जो है, ये भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में
1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। तो याद रखना है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब की गई, तो 1863 ईस्वी में की गई। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में की गई रॉबर्ट ब्रूसफुट, याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट भूवैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा फैक्ट है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, तो वो भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन जो है तो कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। तो इस तरह से पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन तीन कालों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः तीन कालों में विभाजित किया जाता है। तो पूरा पाषाण काल को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह अपना क्या करता था, भोजन संग्रह करता था। देखा था कहाँ सीखेवा ए पागल कुत्ते खोल गेट।